चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजा की मान्यता है। ऐसे में सभी भक्तों ने शुक्रवार को मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की। उनकी विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सभी श्रद्धालुओं ने पूजा करके मां से उनके नियमित दर्शन की कामना की। ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें चारों वादिनी संघ आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान हिंदुवादी संगठनों के लोग भी इसमें मौजूद नजर आए। साथ ही साथ नियमित दर्शन के लिए न्यायालय में वादी महिलाओं सहित वकील और ज्ञानवापी केस से जुड़े पक्षकार भी माता के दर्शन के लिए शोभा यात्रा में शामिल हुए। चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी पर तहखाने में कड़ी सुरक्षा के बीच महिलाओं व अन्य भक्तों को प्रवेश दिया गया। श्रृंगार गौरी की पूजा की गई। शोभा यात्रा मैदागिन के गोरखनाथ मठ से शुरू हुई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के सदस्य भी काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए व हर हर महादेव और माँ श्रृंगार गौरी के जयकारे लगाने लगे। ऐसे में माता के उद्घोष से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। क्या तैयारी है, किस तरीके से हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु कहाँ के लिए जा रहे हैं? आज वासंती के नवरात्र का चतुर्थी है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो मूल स्थान था, ज्योतिर्लिंग का स्थान था, जिसको 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के फरमान से ध्वस्त कर दिया गया था, उसी के पार्श्व भाग में जो मंदिर का भग्नावशेष है, पिंडी रूप में माँ श्रृंगार गौरी विराजमान है, जिसकी सदियों से पूजा होती रही है। उसी संदर्भ में जब प्रशासन 1993 में बंद कर दिया था पूजा पाठ, लेकिन 2005 में स्थानीय हिंदूवादी संगठनों के गतिरोध विरोध और धरना प्रदर्शन के नाते पुनः आरंभ हुई पूजा। तो एक दिन का अवसर मिला हुआ है, वासंतिक नवरात्रि की चतुर्थी का दिन, और वो नियमित पूजा का अधिकार मिले, इसलिए माँ दादा श्रृंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष लाए और 5 वादिनी महिलाएं भी केस लाया गया, उसमें भी निरंतर नित्य पूजा की अधिकार की मांग की गई थी। तो आज वासंतिक नवरात्र का चतुर्थी का दिन है और इसी के तहत हम लोगों ने पूजा के अधिकार के तहत जा रहे हैं और मंगल कामना माँ से कर रहे हैं कि नियमित हमें अवसर मिले, ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान कथित मस्जिद से मुक्त है और नियमित पूजा का अधिकार मिले, भव्य भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर बने, इसी संदर्भ में हमारी यात्रा है, ये दर्शन यात्रा है और ये माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी पेट मजबूत हुआ है, इसीलिए श्रृंगार गौरी का दर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। साल में एक बार जब मंदिर खुलने पर हम लोग चाहते हैं कि प्रतिदिन ही दर्शन पूजा हो शुरू हो जाए। जी आज साथ मतलब खाने खोलने की बात कही गई है, हम लोग चाहते हैं कि आज हम लोग का कोई सुनवाई माँ श्रृंगार गौरी के आशीर्वाद से शुरू हो। आपको बताते चले कि श्रृंगार गौरी का मंदिर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे ईशान कोण में स्थित है। श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन वर्ष में सिर्फ एक दिन, वह भी वासंतिक नवरात्र में ही होता है। वर्ष 2004 से सिर्फ एक दिन वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन मां के दर्शन पूजा के लिए इजाज़त मिली थी। माता रानी का विग्रह ज्ञानवापी परिसर स्थित दीवार के ताखे में है। साल भर सुरक्षा के लिहाज से इस मंदिर तक जाने की इजाज़त नहीं होती है।